नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार के एनआईसी कक्ष में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है और इनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, महिला बाल विकास विभाग के संचालक भारती डांगी सुभाष जैन मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारती डांगी ने बताया कि 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2020 तक कोरोना काल के दौरान ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, इन बच्चों को केंद्र की पीएम केयर योजना में शामिल किया गया है। धार जिले के 10 बच्चों को इसका लाभ मिला है, जिसमें 2 वयस्क बच्चे हैं बल्कि 8 बच्चे नाबालिग हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अभी इसका लाभ नहीं मिला है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, किंतु शहरी क्षेत्र के 2 बच्चों को लाभ मिला है, जिनमें 1 नाबालिग है। इनका पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया गया है, राशि जमा कराई गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों को 18 साल की उम्र होने के बाद करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनका आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाकर भी दिया गया है। वहीं इन बच्चों को आरटीआई के तहत नजदीकी स्कूलों में एडमिशन भी कराया गया और उनके खातों में स्कॉलरशिप की राशि भी दी जाएगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। का कार्यक्रम था, इसमें कितने बच्चों को सम्मानित किया और क्या जी? कोरोना अवधि में जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है, ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत आज माननीय पीएम महोदय द्वारा बच्चों से संवाद आयोजित किया गया। साथ ही इन बच्चों के लिए जब 18 साल के होंगे उनको 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि मिलेगी, उसकी पासबुक भी आज एक किट के माध्यम से अदायगी की गई। आपका नाम बताओ। मैं सुभाष जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग।